Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel with another most amazing video. So friends, आज जो है वो मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो आप लोगों के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो बना रही हूँ, बिकॉज बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है मेरा. सो मैंने जो है वो स्किप कर दिया था, लेकिन अब फिर से जो है वो मैं YouTube को स्टार्ट कर रही हूँ अगेन, एंड मुझे अपलोड जो है वो मस्त भी चाहिए होगी. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है वो हम क्रिएट करेंगे व्हाइट कलर के आउटफिट के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक, क्योंकि मुझे जाना है आज एक अवतार पार्टी में जिसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ. सो मैंने सोचा कि आज से आप लोग के लिए जो है वो वीडियोस भी बनाना जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी. सो अब मैं लाइव भी आया करूंगी, एंड आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड मुझे सपोर्ट करना है. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जी कि स्किन जो है वो मेरी बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रही है. अब देखने वाला तो यही कहेगा कि ऑब्वियसली हमें इसके साथ जो है वो मेकअप करने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आपने ऑब्वियसली किसी इफ्तार पार्टी पे जाना है, किसी डिनर पे जाना है, तो आप लोगों की लुक्स जो है वो अमेजिंग, एन्चेंटेड, ब्यूटीफुल सी लगनी चाहिए. सो इसलिए जो है वो हम मेकअप कैरी करते हैं. और आज का जो ये वाला मेकअप लुक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये मस्त भी अपने घर में ट्राई करना है, बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा लगेगा. सो फ्रेंड्स, अब बिना देर किए जो है वो हम अपना मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो आप लोग देख सकते हैं जी कि टाइम की शॉर्ट होने की वजह से जो है वो मैंने अपनी स्टाइलिंग पहले से की हुई है. सो अब हम हेयर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है इस तरीके से क्लिप कर लेंगे, ताकि हमारे बाल जो है वो आगे ना आए, इस पर फाउंडेशन अप्लाई ना हो जाए. तो यहाँ से जो है वो हमने हेयर्स को अच्छे तरीके से क्लिप कर लें, बालों के पीछे कर दें, या बाथ टब आप यूटिलाइज कर सकते हैं. उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग रमजान आए हो बहुत अच्छा जा रहा होगा. तो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्किन टेक्सचर जो है वो बहुत मैटर करती है मेकअप के लिए. अगर आपका स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं है तो आप लोग बहुत अच्छा मेकअप जो है वो नहीं कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले जो है वो हम अपनी स्किन को हाइड्रेट करेंगे न्यूट्रीजीना के हाइड्रोजेल के साथ. फ्रेंड्स, आई विल रिकमेंड दिस वन, बिकॉज ये हाइड्रेशन के लिए जो है वो बहुत परफेक्ट चीज़ है. सो इससे हम अपनी स्किन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाइड्रेट कर लें. उसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि वेदर जो है वो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन मॉइस्चराइजिंग जो है वो आप लोग की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं निविया वाइट ग्लो का ये वाला मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करूँगी. बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है. इसके अलावा आप सेरावे यूज़ कर सकते हैं, और भी कोई यूज़ कर सकते हैं. सो बहुत लाइट तरीके से जो है वो हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है. याद रखें, जब भी आप मेकअप करते हैं आप लोग लेयरिंग मत क्या करें, मतलब एक प्रोडक्ट को एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड के अंदर अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने दिया करें, एंड देन फ्रेंड्स आप लोग जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट को अपनी फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई किया करें. सो अपनी फिंगर टिप्स के साथ जो है वो हम इस मॉइस्चराइजर को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे. उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी, और प्राइमर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी O2O का हाइड्रेटिंग प्राइमर. अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते, और ड्राई स्किन वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इस प्राइमर को मस्ट भी ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है. सो बहुत ही लाइट सा प्राइमर एज़ पर योर ओन स्किन टेक्सचर आप लोग जो है अप्लाई करें. सो हमें क्योंकि वाइट के साथ एक बहुत ही एलिगेंट ब्राइट लुक चाहिए, इसलिए हम जो है वो इस तरीके से प्राइमर को अप्लाई कर रहे हैं. अपनी फिंगर टिप्स के साथ ही हमने प्राइमर को भी जो है वो अपनी स्किन पर अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर लेना है. डैबिंग मूवमेंट में भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, स्किन को अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रेप करने के बाद जो है वो हम फाउंडेशन चूज करेंगे, एंड फाउंडेशन आप लोग अपनी स्किन टेक्सचर के मुताबिक जो है वो अप्लाई करें. अपनी स्किन टोन को देखें कौन सी वाली आपको सूट करती है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एमिली की फाउंडेशन यूज करूंगी शेड 02, बिकॉज मेरी स्किन जो है वो व्हीटिश है, इस वजह से मैं अपनी स्किन पर जो है वो बहुत एक्सट्रीम ब्राइट जो फाउंडेशन है वो यूज नहीं करती हूँ. लेकिन अगर कोई ब्राइट लुक क्रिएट करनी हो तो ऑब्वियसली हम कुछ जो है वो मिक्सचर करके जो है वो हम अप्लाई कर लेते होते हैं. सो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम बहुत माइनर सी क्वांटिटी में जो है वो हम यहाँ पे एमली की फाउंडेशन ले लेंगे. बहुत ज़्यादा थोक थोक के फाउंडेशन जो है वो आप लोग ना लगाया करें, इससे स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी लगती है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने फेवरेट ब्रश की हेल्प से जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करनी है. अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी स्किन से कितना मैच कर रही है. सो हमेशा जब भी फाउंडेशन लें अपनी स्किन पर चेक करके जो है वो आप लोग लिया करें. और मेकअप करते हुए नेक एरिया को मस्ट भी कवर किया करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इस एरिया को तो आप लोग बिल्कुल भी जो है वो लीव ना किया करें.
इस तरीके से आप लोग का टू टोन स्किन लगना शुरू हो जाती है, ऊपर की अलग लग रही होती है, नीचे की अलग लग रही होती है और बहुत ही ऑकवर्ड किस्म का जो है वो आप लोग का मेकअप लुक जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा सा एक ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो डैब करके लिया हुआ है। ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राई बिल्कुल भी मत लें, स्पेशली जब आप जो है वो अपनी बेस बना रहे हो, फाउंडेशन सेट कर रहे हो। सो यहाँ पे जो है वो हम डैबिंग मूवमेंट में जो है वो लाइट लाइट स्ट्रोक के साथ जो है वो अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी स्किन में कितने अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो रही है, बिकॉज ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। आप लोग भी फाउंडेशन जो है वो हमेशा अपनी स्किन टोन के मुताबिक जो है वो। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जी के फाउंडेशन कितने अच्छे तरीके से जो है वो मेरी स्किन पर ब्लेंड हो चुका है। अब फ्रेंड्स आप लोग के सामने मैं अप्लाई करूंगी जी कंसीलर, क्योंकि लाइट मुझे थोड़ा सा रेस्टलेस होने की वजह से जो है वो अपने डार्क सर्कल नजर आ रहे हैं। पार्टी में हमारा इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, सिर्फ इफ्तार पार्टी में बहुत सारे गेस्ट होते हैं, आपको पता है कि हर बंदा फोकस कर रहा होता है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एमिली का जो कंसीलर है वो यूज़ कर रही हूँ और ये शेड 05 है प्योर बीच में, और इसी वजह से इसे जो है वो हम अप्लाई कर लें। इसके अलावा अगर आपने आईज पर जो है वो कोई ऐसी लुक करनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आनी चाहिए, तो फिर हम अपनी आईज को भी लाइट सा जो है वो कंसीलर के साथ जो है वो सेट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन मैं जो है वो प्यारा सा चुनु मुनु सा डैब ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको ब्लेंड कर लेना है। सो फ्रेंड्स कंसीलर को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद जो है वो हम अप्लाई करेंगे जनाब यहाँ पे जेनी का लूज पाउडर, ये नेचुरल शेड में है। इसके साथ जो है हम अपनी फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर लेंगे ताकि एक बहुत ही मैट फिनिशिंग जो है वो आ जाए। तो फ्रेंड्स फाउंडेशन को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद जो है वो हम अपना आई सेक्शन प्रिपेयर करेंगे आई शेडोज के लिए, और क्योंकि हमने एक स्मज लुक क्रिएट करनी है इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो स्पूली की हेल्प से जो है वो अपनी आईब्रोज को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शेप्ड हैं और डार्क हैं तो इसलिए हम इसको जस्ट शेप करेंगे और लिटल बिट जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 7 Girl की आईब्रो पैलेट जो है वो यूज़ कर रही हूँ, या शेडोज भी हैं और इसकी हेल्प से जो है वो आप अपनी आईब्रोज भी जो हैं वो अच्छे से शेप कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो इस टाइप के एक ब्रश के ऊपर जो है वो हमने लाइट सा आईब्रो पाउडर लिया है ताकि हमारी आईब्रोज थोड़ी सी जो है वो प्रोमिनेंट लगें, क्योंकि हमने आई शेडोज जो है वो क्रिएट करने होते हैं। सो यहाँ पर जो है वो हम अपनी आईब्रोज को लाइट सा जो है वो हाईलाइट कर लेंगे ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स हमने अपनी आईब्रोज को जो है वो स्पूली की हेल्प से जो है वो ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारी आईब्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगें, ब्यूटीफुल लगें, और इस तरीके से जो है वो हमने ब्रश की हेल्प से जो है वो इसको सेट कर लेना है। सो फ्रेंड्स आई शेडोज क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैलेट, और यहाँ पे आप लोगों को मैं शेड दिखा रही हूँ क्लोज करके भी। इस शेड से जो है वो हमने अपनी दोनों आईज पर जो है वो ब्लेंडिंग कर लेनी है सबसे पहले, एंड देन जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लोग जो है वो एक स्मज और ब्यूटीफुल सी लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं मिस रोज़ का जो है वो क्रीम काजल जो है वो ले रही हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो ब्लैक आई शेडो का एक जो स्मज लुक है वो हमने अपनी आईज़ के ऊपर देना है, कोलिक लुक देनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो इस टाइप का एक ब्रश ले रही हूँ और इस टाइप के ब्रश के साथ जो है वो हमने इस काजल को जो है वो अप्लाई करना है, और इसी तरीके से आप आई लाइनर भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं आराम सुकून के साथ। सो इसी को यूटिलाइज करते हुए हम जो है वो लुक्स क्रिएट करेंगे। आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है कि मैं किस तरीके से जो है वो कर रही हूँ। सो सबसे पहले जो है वो हमने एक विंग बनाना है, और विंग इस तरीके से बनाना है कि इसको हमने अपनी आईज में काजल की तरह जो है वो अप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको ब्रश के साथ जो है वो अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पे जो है वो मैंने एक विंग भी जो है वो बना लिया हुआ है। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम दूसरी आंख में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लंबा सा एक विंग बनाने के बाद जो है वो इस विंग को हम ज्वाइंट करेंगे लिटिल लिटिल स्ट्रोक्स के साथ अपनी बाकी की लैश लाइन के साथ। सो आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है कि मैं किस तरीके से जो है वो कर रही हूं। सेम फ्रेंड्स यही प्रोसीजर हम अपनी इस वाली आई के ऊपर करेंगे। सो
तो फ्रेंड्स, इस तरह की लुक क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने क्या करना है कि हमने अपने आई शेडो पैलेट में से एक डार्क शेड जो है वो लेना है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये वाला शेड ले रही हूँ क्योंकि वाइट ड्रेस के साथ जो है वो मैंने मेकअप करना है, इसलिए इस शेड से जो है वो हमने इसकी एक स्मज लुक क्रिएट करनी है। स्मज करने के लिए जो है वो आई विल रिकमेंड कि आप लोग इस टाइप का जो ब्रश है उसको यूज़ करें ताकि आप लोगों का शेड जो है वो बहुत ब्यूटीफुली जो है वो स्मज हो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है कि मैं किस तरीके से जो है वो इसको स्मज करती हूँ। इसी ब्लैक के ऊपर जो है वो आप लोगों ने इसको स्मज करना स्टार्ट करना। सो फ्रेंड्स, आई शेडो जो है वो ऑलमोस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस तरीके से स्मज करने के बाद जो है आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग जो है वो कोई अच्छा सा शेड लेकर जो है वो अपनी आईज को जो है वो क्रीज लाइन को लाजमी तौर पर प्रोमिनेंट करें। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस शेड को प्रोमिनेंट करने के लिए जो है वो मैं ये वाला शेड जो है वो यूज़ करूँगी। सो इस शेड से जो है वो हमने अपने इस शेड को ब्लेंड कर लेना है ताकि शेड्स जो है वो इवन लगें, अलग से जो है वो ना लगें। सो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे दोनों शेड्स की आपस में एक ब्लेंड लुक जो है वो क्रिएट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सा स्मोक जो है वो हमने क्रिएट किया है। तो सेम यही प्रोसीजर जो है वो हम अपनी इस वाली आई पर जो है वो कर लेंगे ताकि दोनों आईज का जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट सेम लगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने क्या करना है जी कि हमने सेम वो ही ब्रश जिससे हमने क्रीम काजल जो है वो अप्लाई किया था वो लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अगेन जो है वो थोड़ा सा क्रीम काजल जो है वो ले रही हूँ मिस रोज़ का, और इससे जो है वो हमने अपने लाइनर को जो है वो थोड़ा सा डिफाइन कर लेना है कि हमने जो है वो लाइनर जो है वो अप्लाई किया था, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट कर लेंगे ताकि लाइनर जो है वो हमारा लगा हुआ प्रॉपर पता लगना शुरू हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम जो है वो अपनी अंडर आई को सेट करेंगे, और अंडर आई को जो है वो इस तरीके से काजल अप्लाई करने के बाद सेम शेड के साथ किस तरीके से सेट करना है आप लोगों को मैं भी सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आई शेडोज आप लोग देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल जो है वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से हमने लाइट सा जो अपना लूज पाउडर है वो लेना है, एंड देन हमने अपनी अंडर आई को जो है वो यहाँ से इस तरीके से सेट कर लें। सो फ्रेंड्स, अब हमने अंडर आई को भी जो है वो एक स्मज लुक देनी है, और स्मज लुक देने के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कहूंगी कि अगर आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को मेकअप का शौक है, तो ब्रशेस की बहुत अच्छी सी जो एक कलेक्शन है आप लोगों के पास होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस वाले ब्रश के साथ जो है वो अपनी अंडर आई को जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, प्रोमिनेंट करूंगी। सो यहाँ पे इस शेड से जो है वो हमने अपने इस काजल को जो है वो एक स्मज लुक जो है वो देनी है ताकि हमारा आईज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगें। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरीके से अपनी आई को जो है वो एक स्मज लुक जो है वो देती हूँ ताकि हमारी आईज जो है वो ऑकवर्ड भी ना लगें। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का प्रोडक्ट जो है वो आप लोग के फेस पर भी नहीं आएगा। और इस तरह के ब्रश के साथ स्मज लुक क्रिएट करने के फायदा सबसे ज़्यादा ये है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो फैलता नहीं है। सो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो इस टाइप की एक लुक जो है वो क्रिएट करनी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी आईज को हाईलाइट करने के लिए जो है वो ये वाले हाईलाइटर्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सो इस हाईलाइटर से जो है वो हमने अपने आई मेकअप को अच्छे तरीके से जो है वो हाईलाइट करना है। सो आप लोगों ने सेम बहुत अच्छा सा हाइलाइटर लेकर जो है वो अपने जस्ट आईब्रोज के एजेस पर जो है वो अप्लाई कर लेना है ताकि आप लोग का आई मेकअप थोड़ा सा जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब बारी आती है जी हमारे मस्कारा अप्लाई करने की। सो फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो मस्कारा अप्लाई करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती हैं। लाइक मस्कारा आप लोगों को लेने से पहले जो है वो अपने प्रॉपर चेक कर जो है वो लेना चाहिए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं किस ब्यूटी का फुल लेंथ मस्कारा जो है वो यूज़ करूंगी, और उसके बाद अगर आप लोग चाहे तो लैशेज अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को अवतार पार्टी के लिए जो है वो लैशेज अप्लाई करने की ज़रूरत है। अपनी लैशेज कोई अच्छे से ग्रो करें ताकि आप लोग को जो है वो विदाउट एनी रीज़न जो है वो आप लोग को लैशेज ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती चलूँ कि
लैश ग्लू के साथ जो है वो बहुत सीवियर किस्म का जो है वो आई इन्फेक्शन भी होता है। सो कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी चाहिए, और अगर आप इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट हो जाए, देन आप जो है वो इसको यूटिलाइज़ करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब मस्कारा अप्लाई करेंगे। सो मस्कारा जो है वो इसका ब्रश बहुत ज़बरदस्त सा है। सबसे पहले फ्रेंड हम अपनी आई लैशेज को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे, और 2 सेकंड बाद जो है वो हमने उन्हीं लैशेस को जो है वो नीचे की तरफ लेकर आना है। उसके बाद 3rd स्टेप में फ्रेंड्स हमने उन्हीं लैशेस को अगेन जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो टर्न कर लेना है। एंड आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स के आई लैशेस का वॉल्यूम जो है वो कितना जबरदस्त जो है वो जनरेट हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग चाहें तो आप लोग लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप लोग नेचुरल वॉल्यूम के साथ आईज़ को इसी तरीके से रहने दें, तब भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग की आईज़ जो है ब्यूटीफुल लगेंगी, इंचेंटेड लगेंगी। ड्यू टू सम रीज़न जो है वो मैंने लेंसेज वेयर नहीं किए हैं, मेरी ओरिजिनल आईज़ जो है वो क्योंकि शेडेड है इस वजह से मैं लेंसेज जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जो है वो हम अप्लाई करेंगे ब्लश, और ब्लश इज़ द बिगेस्ट टेक्निक, और ब्लश जो है वो क्योंकि वाइट ड्रेस है उसके साथ आपका मेकअप आईज़ का भी अच्छा होना चाहिए, ब्लश भी अच्छा होना चाहिए, लिप कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो मैं रिवाज का ये वाला रोजी ब्लश जो है वो अप्लाई करूंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, ये ना हो कि आप लोग की स्किन जो है वो एक्सट्रीम जो है वो बुरी लगने शुरू हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसको इस टाइप के लाइट से फेदर वाले ब्रशेस के साथ जो है वो आप लोग अप्लाई करें, और बहुत लाइट सा टैप करें, एंड देन जो है फ्रेंड्स इसको आप अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्ट बहुत एक्सट्रीम लग जाए, जैसे मुझे ये वाला अपना चीक जो है वो काफ़ी हैवी सा फील हो रहा है, तो इसको जो है वो हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लश है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक मेकअप हो चुका है हमारा कंप्लीट, अब जो है वो हम अपना लिप कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम एक ब्राउन लिप पेंसिल लेंगे, और उसके साथ जो है वो अपने लिप्स को लाइन कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्लॉमर का 404 शेड जो है वो मैं ले रही हूँ, और इसके साथ जो है वो हमने अपने लिप्स के जो है वो फिलिंग करनी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से लिप्स की फिलिंग करने के बाद जो है वो हम अपने लिप्स में थोड़ी सी शेडिंग करेंगे, ताकि हमारे लिपस्टिक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं वाइन का लिप टिंट ले रही हूँ, ठीक है। वाइन लिप टिंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप लोग लिप बाम लाजमी अप्लाई कर लें पहले से ही। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ब्राइट सा जो पिंक शेड है ये आ रहा है, और इसके बाद जो है वो हम एक बार फिर जो है फ्लॉर्मर का शेड लेंगे, और फ्लॉर्मर के साथ जो है वो हम अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद जो है, अगर क्योंकि रमज़ान है और जाहिर सी बात है अभी रोज़े में मेरे भी लिप्स काफ़ी ज़्यादा रिहाइड्रेटेड हुए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोबेलो की लिप बाम से जो है वो लिटल बिट जो है वो इसको लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे, तो थोड़ी देर बाद जो है ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। एंड आप लोगों ने मुझे मस्त भी बताना है कि आप लोगों को ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अब जो है वो फाइनल टच जो है वो हो चुका है हमारा मेकअप कंप्लीट, और स्टाइलिंग भी ऑब्वियसली मैंने जो है वो बहुत सिंपल सी स्टाइलिंग की थी, और वीडियो के स्टार्ट में और एंड पे जो है आपको जो है वो क्लिप देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है फाइनल जो हमारा स्टेप रह जाता है वो है जी हाइलाइटर, और हाइलाइटर के बगैर आपको पता है कि मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम एक ब्रश अच्छा सा ले लेंगे, और उस ब्रश की हेल्प से जो है वो हम हाइलाइटर अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से वाले हाइलाइटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये वाला हाइलाइटर जो है वो लेकर अपने फेस को हाइलाइट कर लेना है। हाइलाइटर हमेशा बहुत देखकर लिया करें, अच्छी ब्रांड का लें, एक ही दफ़ा लें, वन टच एप्लीकेशन के साथ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, ये यहाँ का नहीं है, इसलिए मेकअप क्वालिटी भी इसकी
बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग की स्किन भी मेरी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइट दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, और मेकअप अप्लीकेशन के बाद जो है वो आप लोग की स्किन फ्लॉलेस लगे और केकी ना लगे, तो फ्रेंड्स स्किन केयर रूटीन जो है वो मस्ट फॉलो किया करें और वाटर इनटेक अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाया करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग आज की वाली मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आई होगी। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।